ये जो है हमारा सीलिंग का जो चार्ट है, वायर रोप सीलिंग चार्ट है, तो इसको हम किस तरह से देखेंगे, चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से देखा जाता है। तो थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि समझ में आएगा। देखिए ऊपर लिखा है वायर रोप सीलिंग, ऊपर से पढ़ता हूँ, डायामीटर सीलिंग कैपेसिटी साइज बाई चार्ट, वायर रोप सीलिंग 6x19। ये जो सीलिंग है ये 6x19 यानी 6 कोर और 19 वायर है इसमें, तो इसको हम 6x19 कोर कहते हैं, क्लासेस कहते हैं, ग्रुप। और ये जो है फाइबर कोर का है और ये जो है पाउंड में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा है मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड पाउंड, सेफ फैक्टर बराबर 5, यानी कि जो इसका सेफ्टी फैक्टर है वो 5 है। तो इसको किस तरह से देखेंगे, ये जो सबसे पहला जो है रोप डायमीटर और इंच दिया है, तो ये हमारा जो है साइज है 3x16 इंच का, 1x4 इंच, 5x16, 3x8, ये मतलब जो है पूरा साइज दिया है। उसके बाद दूसरा जो है ये वर्टिकल का साइज है, सिंगल वर्टिकल हिज का जो है वो साइज है, तो इसका जो फैक्टर है 1:1 है। तो वर्टिकल में 3x16 का जो है 600 kg उठाएगा, 1:4 का 1100 kg उठाएगा, ऐसे ही साइज बाई साइज कैपेसिटी दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सिंगल चोकर हिच, तो जो सिंगल चोकर हिच है उसका जो फैक्टर है 0.75 है। तो ये जो है सिंगल चोकर रिच जो है 3x16 का जो सीलिंग है उसका कैपेसिटी बनेगा 450 kg, ठीक उसी तरह 1:4 का जो बनेगा 825 kg, और इसी तरह हम नीचे का भी पूरा देखेंगे। उसके बाद जो है सिंगल बास्केट हिच है, ये यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो सब है सिंगल वर्टिकल हिच है, सिंगल चोकर हिच है, सिंगल बास्केट हिच है। तो ये जो है सिर्फ सिंगल का दिखा रहा है अभी तक, तो सिंगल बास्केट हिच का जो है उसका जो फैक्टर है उसका जो सूत्र है 2 है, तो 2 है। तो देखिए यहाँ सिंगल चोकर हिच में 6 से बना, तो यहाँ जो डबल ये चोकर हिच हो जाएगा ना, सिंगल वर्टिकल हिच में 600 kg है, तो यहाँ डबल वर्टिकल हो जा रहा है 90 डिग्री में दोनों है। सिंगल बास्केट हिच जो है वो 90 डिग्री में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1200 kg। ये तो हो गया सिंगल वर्टिकल, सिंगल चोकर और सिंगल बास्केट हिच। अब जो है ये है 2-leg bridle hitch, जो 2-leg bridle hitch है उसका जो कैपेसिटी आएगा 3x16 का वो आएगा 1050 kg। तो जो ब्रिडल हिच है वो सीधा डायरेक्ट चार्ट से ही देखेंगे, यानी जो अपना लोड चार्ट है इसी से देखेंगे। उसी तरह 45-60 डिग्री का है, उसी तरह 45 डिग्री का 850 kg हो जाएगा, 30 डिग्री का जो है 600 kg हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ ऊपर लिखा है 2-leg bridle hitch एंड सिग्नल बास्केट हिच विथ लेग्स इंक्लूडेड, यहाँ पे लिखा है 2-leg bridle hitch एंड सिंगल बास्केट हिच विथ लेग इंक्लूडेड। तो ये जो है बास्केट है इसमें जो है एंगल जो है एंगल जो बनेगा तो इसका जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बास्केट है सिंगल बास्केट हिच है और ये भी सिंगल बास्केट हिच है, लेकिन जो यहाँ पे जो डिग्री बनेगा, जो यहाँ पे एरो का जो मार्क दिखा है वो डिग्री बन रहा है, तो यहाँ जो है इसका जो है कैपेसिटी कम हो जाएगा। जिस तरह ब्रिडल हिच का 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक उसी तरह इसका भी इसमें देखा जाएगा। लेकिन जो इसका फैक्टर है इसको फैक्टर के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे कि ये अपना इसका जो कैलकुलेट है सूत्र है 2 है, इसका जो है 75 है और इसका 1 है। लेकिन जब हम डबल चोकर हिच मारेंगे, डबल बास्केट हिच मारेंगे,
तो जो है ये जो सूत्र है ये यूज होता है, तो इसका जो है कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो ये मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह कैलकुलेट करके सिंग डबल चोकर हिच का डबल बास्केट हिच का जो है कैपेसिटी निकालते हैं सीलिंग का। और ये जो लोड देखने का जो तरीका है वो मैं अभी आप लोग को बताया कि जो लोड देखने जो अपना लोड चार्ट देखने का जो तरीका है, और ये जो वायर ऑफ सीलिंग का चार्ट जो देखने का तरीका है वो मैं आप लोग को बताया कि वायर ऑफ सीलिंग का जो चार्ट है वो किस तरह देखा जाता है। तो वायर ऑफ सीलिंग का चार्ट देखने का यही तरीका है, यहाँ पे साइज दिया हुआ है, यहाँ वर्टिकल हिच दिया हुआ है, यहाँ चोकर हिच दिया हुआ है, बास्केट हिच दिया हुआ है, और ये ब्रीडर हिच दिया हुआ है। लेकिन अब इसी को अगर हमको चोकर में या बास्केट में डबल बास्केट या डबल चोकर का जब हम सीलिंग का कैपेसिटी निकालेंगे तो उसके लिए जो फैक्टर होता है जो कैलकुलेशन होता है वो करना पड़ेगा, तब जाके इसका निकलेगा। तो इसका फैक्टर चोकर का यही आएगा 0.75 और बास्केट आएगा का 2 आएगा। लेकिन अब इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे ये हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे। और दूसरा ये जो चार्ट है, ये जो सीलिंग वायर रूप का चार्ट है वो पाउंड्स में है यानी LVS में है। इसको सबसे पहले LVS को हम टन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो है कोई भी लिफ्टिंग करते हैं। तो ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह एक ऐसे वीडियो बनाया भी हूँ कि LVS को किस तरह KG में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह टन में कन्वर्ट किया जाता है। और जब मैं ये कैलकुलेशन के बारे में बताएगा तो उसमें फिर मैं आप लोग को बताऊँगा कि किस तरह इसको कन्वर्ट करके हम टू लेग चोकर हिच और डबल बास्केट हिच का जो है वायर ऑफ सीलिंग का कैपेसिटी निकालते हैं।